अरे ये अपने शरीर से उत्पन्न कर ये कैसे भयावने कीट भेज रहे हैं मेरी ओर। मचाया हुआ है प्रभु। याद है मुझे देवर्षि नारद, किंतु स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? क्या कहूं नारायण, ये सब कुछ शनिदेव के कारण हुआ है। उन्होंने डाली बालक पे दृष्टि और हिला डाली सारी सृष्टि। उसी कारण बालक की उद्विग्नता इतनी बढ़ गई कि समस्त देवताओं के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है प्रभु। किंतु देवर्षि, जो शनिदेव कहीं जाते ही नहीं, वो कैलाश गए ही क्यों? उसकी प्रेरणा उन्होंने कहां से प्राप्त की? समस्त देव लोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। बताइए देवर्षि, आप मौन क्यों खड़े? क्योंकि यदि उनके पुत्र का कुछ भी हित हुआ तो देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर होगा और तब स्वयं भोलेनाथ के लिए भी उसे रोकना अत्यंत कठिन होगा। और यदि उन्होंने आपको अपना दोषी पाया तो आप उनके भयंकर दंड के भागी बनेंगे। असहनीय पीड़ा ही अब तुम्हारी नियति होगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे अपने भीतर खींच रहा है। हा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 ह
जाएंगे मुझे। इनके पास में बंधा रहकर वाष्प बनकर उड़ जाऊंगा। कितना भयंकर दृश्य है ये पालक, यमराज का दंड कैसे सहेगा? कैसी अनिष्टकारी अदृश्य शक्ति जो मेरे निकट आने का दुस्साहस कर रही है। अरे ये मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। ये कौन सी शक्ति है जो इस आकृति के रूप में यहाँ उत्पन्न हो रही है? क्या इसे अपने विनाश का भय नहीं है? मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूं ना माँ। अच्छा हुआ ये आकृति अपने आप ही मिट गई। मिटा दूंगा माँ के आदेश के पालन में प्रत्येक अवरोध को। यमराज, मैं आपको आपके इस महिष से बांध दूंगा। विष्णु से गुहार लगानी होगी। हे विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। ये बालक हम देवताओं की प्रतिष्ठा को धूल दूषित कर रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। विष्णु हमारी सहायता कीजिए प्रभु। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं। प्रणाम विष्णुदेव। अब तो आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। महादेव तो ध्यान में मग्न हैं, आपको उनका ध्यान भंग किए बिना ही संसार को इस संकट से उबारना होगा। उचित है ब्रह्मदेव, मैं इस बालक को समझाने का प्रयास करूंगा। उसे महादेव का उचित परिचय देकर इस अनर्थकारी युद्ध को रोक दूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूं विष्णुदेव, तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु। नारद
नारायणाय सुरमंडन मंडनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य, ये तो अन्य सभी से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने अद्भुत ये कौन है? मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही। और ये श्वेत पक्षी पर ये चार मुख वाले कौन हैं? ये दोनों क्या करने आए हैं यहाँ? ये दोनों कोई साधारण देवता तो नहीं प्रतीत होते हैं। संभव है मुझे इनसे और भी भीषण युद्ध करना होगा। कितना अनुपम सौंदर्य है देवी पार्वती के पुत्र का। अत्यंत आकर्षक और मनभावन है इसका रूप। मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो तो। ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे अनुपम व्यक्तित्व में ज्ञान और शक्ति दोनों का समावेश होगा। स्वयं शिव और शक्ति के समान। कितना शांत मधुर और करण परी स्वर है इनका। इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? किंतु मुझे सचेत रहना होगा, कहीं ये भी मुझे बहलाकर भीतर जाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा होता यदि तुम अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पहचान पाते, ये जान पाते कि महादेव कौन है जिन्हें तुम रोक रहे हो। अच्छा, अब समझा कि आप मुझे इतने आशीष क्यों दे रहे थे। बालक समझकर मुझे अपनी प्रशंसा से बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार ही नहीं, इसकी बुद्धि में तो अविश्वास भी भरा हुआ है। बालक, जो तुम कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण तो तुम्हारे पास अवश्य होगा, किंतु महादेव को भीतर जाने से रोकना उचित नहीं है। उन्हें जाने दो। मत कहिए मैं क्या कर रहा हूं और उसका क्या कारण है, मैं आपको क्यों बताऊं? और वो कौन है, भीतर क्यों जाना चाहते हैं? ये मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना हठ उचित नहीं है पुत्र, हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम, इसीलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति का हर उसके विनय को हर लेता है, और जहां विनय नहीं वहां विनाश अवश्य होता है। इसलिए अपना हर त्याग दो, अन्यथा उसका अवश्य ही कोई भारी दुष्परिणाम होगा। हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, सच? आप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते? तो फिर ये और इनके पशु क्या मुझसे मनोरंजन के लिए युद्ध कर रहे थे? नहीं पुत्र, युद्ध से कहां किसी का हित होता है। युद्ध तो सदैव बुराई का अंत करने का अंतिम उपाय होता है, किंतु युद्ध तो व्यक्ति को अपने भीतर बसे अहंकार और क्रोध से करना चाहिए। यदि सभी ऐसा करें तो युद्ध स्वतः ही टल जाएगा। और यदि तुम भी अपनी बातों से मुझे भ्रमित मत कीजिए, ये युद्ध अवश्य टल जाता यदि आप
और आपके कृपा पात्र मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालते और मुझे अकेला छोड़ देते। सुनो पुत्र, इस समय एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम अपना हट त्याग कर महादेव को भीतर जाने दो। यदि तुम्हारी माता ये बात सुनेंगी कि तुमने महादेव को भीतर जाने से रोका है तो वो प्रसन्न नहीं होंगी। मेरी माँ को इस रिवाज में मत लाइए। इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं चल सकता। बस बालक, ब्रह्मदेव शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है कि हम इस बालक को उचित आचरण पर लाने में अवश्य सफल होंगे। सफल होंगे? किंतु कैसे श्री हरि? विष्णुदेव, ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, कौन है आप? मैं नहीं जानता। बहुत सुन चुका, कितनी बार एक ही बात दोहरानी होगी। कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे ये उचित पाठ पढ़ाकर आपको भी लौटाना होगा। ये तो अपना सौभाग्य समझिए कि मेरे वार से बच गए। इससे पूर्व कि मैं आपको क्षति पहुंचाऊं, चले जाइए यहाँ से। रुक जाओ बालक, हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। इससे पूर्व मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए इन देवताओं के समान आपसे भी युद्ध कर आपको पराजित कर दूं। चले जाइए यहाँ से। इस बालक का हट इसका विवेक हर रहा है, इसीलिए हमारा भी अपमान कर रहा है। आप जो भी करें उससे इस बालक को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ये बालक क्यों नहीं समझ रहा है कि स्थिति अब नियंत्रण के बाहर जा रही है? मैं भी देखता हूँ मुझसे आपकी रक्षा कौन करता है। से मुझ पर ही वार कर दिया।
लेकर मुझे भयभीत करना चाहते हैं ये, किंतु उसमें सफल नहीं होंगे। लांग चुका है। क्यों ना करूं अहंकार? देखिए अपने सभी गणों को, देवताओं को, उनके पशुओं को, जिन्हें मैंने पराजित किया है, अकेले अपने बल से। मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य है। क्या क्या है? मैंने आपको भीतर जाने से रोका और आप मुझसे युद्ध करने के स्थान पर वहाँ वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करने लगे। और जब आप विश्राम कर रहे थे, आपने इन सभी को भेज दिया मुझसे युद्ध करने, जिसमें मैंने इन सभी को परास्त किया। इससे तो प्रारंभ में ही मान जाते। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। समय हो गया है। मैं देखती हूँ मेरा पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। अखंड ज्योति की लौ इतनी तीव्र हो गई है, अवश्य इसका ग्रहण समाप्त हो रहा है। ज्योति तो शुभता का प्रतीक है, ये सदा प्रज्वलित रहे, इसके प्रति मुझे सहज रहना चाहिए। वस्त्र के स्थान पर पशु चमचम का कंड अटैच है। रहने के लिए कोई घर नहीं, नाम पूछो तो कहते सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को भैरू भी नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। यदि आप नहीं रुके तो मैं आप पर प्रहार करने पर विवश हो जाऊंगा।
वही भस्म है जो इनके डमरू बजाते ही इनके देह से निकला था। आपने मुझसे वो छीनने का दुस्साहस किया है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने दूँगी। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूँगा। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। ये तो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं इन्हें पहचानने में कोई भूल तो नहीं हुई मुझसे। अज्ञात अनिश की आशंका क्यों घर करती जा रही? कितनी विचित्र बात है, ये सभी दीपक स्वतः ही बुझ गए। जाएगी। अभी तो इसमें बहुत तिरक शेष है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ तो घटित हुआ है जो मुझे इतना व्याकुल कर रहा है। क्या हुआ पार्वती, इतनी विचलित क्यों हो रही हो? मेरा पुत्र, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? वो सुरक्षित तो है? तुम्हारा पुत्र बाहर ही होगा,
जहाँ तुमने उसे द्वारक्षण के लिए खड़े रहने के लिए कहा था, और यहाँ कैलाश में उसे क्या अहित हो सकता है? तुम निश्चिंत रहो, वो अवश्य सकुशल और सुरक्षित होगा। फिर मेरा हृदय व्यथित क्यों हो रहा है? अब इस बालक के भयंकर अंत के पश्चात महादेव का कोप शांत होकर ग्लानी का रूप ले रहा है। मैं क्या कर रहा हूं और उसका क्या कारण है, ये आपको क्यों बताऊं? समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। अब तो मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई, अपनी माँ की शक्ति से रक्षित हूँ मैं, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। घोर अनर्थ हुआ है, किंतु अहंकार का परिणाम भीषण ही होता है। अहंकारी अपने अहंकार से न केवल अपना सर्वनाश करता है अपितु अपने प्रियजनों को भी दुख पहुंचाता है। अनर्थ, घोर अनर्थ हुआ है ये। इतनी अल्पायु में इतने कोमल सुकुमार पार्वती पुत्र का इतना भयंकर अंत हुआ है, कितना अपार कष्ट हुआ होगा उसे, और अब देवी पार्वती पर क्या बीतेगी? माता का दुख तो मुझे भी व्याकुल कर रहा है। देवी पार्वती, तुम्हें होने वाली अपार पीड़ा की कल्पना मात्र से ही अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारे हृदय को होने वाली असीम पीड़ा की कल्पना से आहत हूँ मैं। आज देवताओं ने घोर अपराध किया है। अपने दम के कारण एक अबोध बालक से संघर्ष कर उसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। अपने इस कृत्य के लिए देवताओं को दंड अवश्य मिलेगा। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? आप तो देवराज, आपको तो स्थिति संभालनी चाहिए थी, किंतु आपने तो अग्नि में खिस जाने का ही कार्य किया, जिसका परिणाम इतना भयंकर हुआ। ये उचित नहीं किया आपने। जो हुआ वो अनुचित था, सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है आप देवताओं, उसका परिणाम आप सभी को भुगतना ही होगा। असत्य है ये, असंभव है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता देवी। यही सत्य है, आपकी कुदृष्टि कुछ भी कर सकती है, और ये भी आप ही की कुदृष्टि के कारण हुआ है, किंतु परिणाम आपको ही नहीं सभी देवताओं को भुगतना होगा। देवताओं और उनके साथ साथ समस्त संसार पर इस घटना का क्या प्रभाव होगा, ये कौन कह सकता है? इंद्रियों का स्वतः ही बुझ जाना किसी बड़े अशुभ का संकेत क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे? वायु के तेज झोंके से बुझ गए ये सारे दीपक पार्वती, और क्या? इतनी कठिनाइयां, इतने कठोर तप के बाद तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त हुआ, तो तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है, परंतु ये चिंता व्यर्थ ही है, इस चिंता को त्याग दो। और अभी कुछ ही समय पूर्व तो तुमने उसे द्वार रक्षा के लिए बाहर नियुक्त किया था, और यहाँ कैलाश में उसका क्या हित हो सकता है भला? फिर तुम्हारे द्वारा दिया गया दिव्य दंड तो उसकी रक्षा कर ही रहा है ना, इसलिए अपनी चिंता त्याग दो। और इन सारे बुझे हुए दियों को हम पुनः ही प्रज्वलित कर लेंगी, है ना? और इसी बीच तुम स्वयं अपने पुत्र को देखाओ, तब तुम्हारी चिंता स्वतः दूर हो जाएगी, उचित है? चलो विजय। मेरा हृदय कंपित हो रहा है, मन शांति नहीं हो रहा।
जैसे कि किसी अज्ञात व्यथा ने घेर लिया हो मुझे, जिससे मैं मुक्ति नहीं हो पा रही। जया विजय उचित कह रहे हैं, मुझे स्वयं जाकर अपने पुत्र को देख लेना चाहिए, तभी अश्वस्त हो सकूंगी मैं। नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। अब मन शांत हो गया आप सभी देवताओं का? ज्ञात भी है कि क्या कर बैठे हैं आप? जानते हैं ये बालक कौन था? ये देवी पार्वती का पुत्र था। माता पार्वती का पुत्र? ये कैसे संभव है? महादेव तो स्वयं भी बंदी थे गजासुर के उदर में। याद है मुझे अग्निदेव, किंतु उसी समय देवी पार्वती अपना पुण्यक व्रत संपन्न कर रही थी। उन्होंने पुण्यक व्रत पूर्ण कर मेरे स्वामी श्री हरि से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। आपने दृढ़ता और निष्ठा के साथ पुण्यक व्रत पूर्ण किया। स्वामी से प्राप्त वरदान के फल स्वरूप देवी पार्वती ने अपने शरीर के उतरे उपटन से ही एक आकृति का निर्माण किया और वही आकृति सजीव होकर पार्वती पुत्र के रूप में प्रकट हुई। अपने उसी पुत्र को द्वार की रक्षा के लिए छोड़कर देवी पार्वती महादेव के कैलाश आगमन के पूर्व मंगल स्नान करने गई थी, इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनका पुत्र किसी को भीतर नहीं जाने दे रहा था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। किंतु आप सभी ने देवता होते हुए भी इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि उस बालक को अपने प्राणों से ही वंचित होना पड़ गया। नंदी, मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए,
किसी का से मेरा अर्थ है यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती के पुत्र का अंत हुआ, बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया हम सबसे। जो हुआ वो अनर्थ था, किंतु जो अब होने जा रहा है उसका आप सब अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप सबके द्वारा उसे उत्तेजित कर उसकी उद्दंडता को बढ़ावा देना देवी पार्वती के प्रिय पुत्र के वध का कारण बना। आप सभी देवता इसके दोषी हैं और शीघ्र ही देवी पार्वती यहां अवश्य पहुंचेंगी। और जब यहां पहुंचने पर उन्हें ज्ञात होगा कि इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिस पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई थी आप लोगों से युद्ध में उसका अंत हुआ है, तो उनकी क्रोधाग्नि जागृत होगी। तब उसके भीषण परिणाम का सामना आप सभी कैसे कर पाएंगे? बोलिए देवराज। आदि शक्ति का क्रोध अर्थात सृष्टि का विनाश। देवी पार्वती के क्रोधाग्नि को शांत करने की क्षमता है किसी में? उनके क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं।